सीरीज पढ़ने जा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रीय आंदोलन है। राष्ट्रीय आंदोलन एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके भर्ती परीक्षा में प्रायः प्रश्न पूछा जाता है, और यहां से हम ये प्रयास करेंगे कि एक भी प्रश्न आपका गलत ना होने पाए। और हाँ, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा, क्योंकि क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी, और अगर आपको सिलेक्शन लेना है इस क्लास के अंत तक बने रहिएगा, और तब तक मत छोड़िएगा जब तक कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर ना हो जाए। साथ ही साथ आप अपने हाथ से नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि क्लास खत्म होने के बाद आपके हाथ में एक बेहतर नोट्स होगा, और उस नोट्स के साथ जब भी भर्ती परीक्षा में कहीं जाना होगा, बस उसके कुछ पेजेज आप पढ़ लेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी थियोरी आपकी क्लियर हो जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए हम इस सीरीज की शुरुआत करते हैं, और क्योंकि अब की बार एक सीट हमार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पहला प्रश्न आपके सामने है, ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। कलकत्ता, मद्रास, बंबई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय काल में बनाए गए या किसके समय में अस्तित्व में आए? एक काफी बड़ा प्रश्न है, और ऐसा इतना बड़ा है कि जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो जल्दी से बताइए, सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए भाई साहब। आप लोग सिलेक्शन नहीं लेना है क्या? चलिए कोई बात नहीं, अगर आप नहीं बताएंगे तो हमारा काम है आपको तथ्यों को बताना। देखिए, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, आप लोगों ने बताया, कुछ लोग बता रहे वारेन हेस्टिंग, कुछ लोग बता रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि आपके हिसाब से प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो हम बता रहे हैं इसका जवाब, क्योंकि मैं चाहूंगा एक बार पहले आप बताएं फिर मैं बताऊं। देखिए, इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है आपका लॉर्ड कैनिंग। अब आपको बड़ा आश्चर्य लगा होगा, सर लॉर्ड कैनिंग कैसे, ज्यादातर लोग तो वारेन हेस्टिंग बता रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत लॉर्ड कैनिंग कार्यकाल में 1 जुलाई 1862 कोलकाता, 1 जुलाई 1862 में कलकत्ता, 14 अगस्त 1862 मद्रास, 15 अगस्त 1862 बंबई, तथा अगर मद्रास की बात की जाए कलकत्ता बंबई, रुक जाइए एक छोटी सी गलती हो गई है, यहां पर है ये आपका 15, मद्रास 15 अगस्त है और बंबई 14 अगस्त है। यह है बंबई 14 अगस्त और मद्रास 15 अगस्त है। ठीक है, और उस समय लॉर्ड कैनिंग था, उस समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। देखिए यहां पे उच्च न्यायालय है, ध्यान से देखिएगा, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में अंतर होता है। ठीक है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में एक बड़ा अंतर होता है। हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, कलकत्ता, बंबई, मद्रास में उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? अगर वर्ष पूछ दिया जाए तो किस वर्ष में हुई थी? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, अगर वर्ष पूछ दिया जाए, वर्ष के हिसाब से आपकी परीक्षा में प्रश्न आ जाए तब उसका जवाब क्या देंगे? कलकत्ता, बंबई, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कब? देखिए यहां पे 62 तो दिया नहीं गया, इसलिए इसका नियर अबाउट होगा 1861। वैसे क्या है 1862, लेकिन नियर अबाउट 61 है, इसलिए इसको 61 मान लेंगे। ठीक है, इसलिए उसके नियर अबाउट है, क्योंकि जो इसकी स्थापना हुई थी उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत, तो इसके अधिनियम जो था उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, इस वजह से प्रश्न का उत्तर हम लोग डी सही मान लेंगे। ठीक है, यह प्रश्न आपके परीक्षा लायक है, तो ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि आपको सिलेक्शन हर हाल में लेना है। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीति गुरु कहते थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जवाब जल्दी दीजिएगा सभी साथी, चाहे से फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जो रेस के घोड़े होते हैं
वो हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप तो ऐसे रेस के घोड़े हैं। देखिए सभी लोगों ने सही बताया, दादा भाई नौ रोजी, दादा भाई नौ रोजी। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर है। चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया? बताइए, चिटगांव सशस्त्र जो शस्त्रागार था पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया? जल्दी से कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जल्दी से कमेंट करिए सभी साथी, चाहे फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं ना, जल्दी से कमेंट करिएगा। बताइए, आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, जवाब नहीं देंगे तो कैसे सिलेक्शन होगा? बताइए, आप लोग को इतना तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक, आइए इस बारे में हम लोग जानते हैं। चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? यह है सूरी सेन। राइट आंसर है, रट लीजिए, बार बार परीक्षा पूछा जाता है। कब? 18 अप्रैल 1930। उस समय तत्कालीन शस्त्रागार था, शस्त्रागार पर धावा बोला था। सूरसेन को प्यार से लोग इन्हें मास्टर दा कहते थे, इनका एक उपनाम था, मास्टर दा, ये उपनाम था। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है यार, ये है मास्टर दा, ये उपनाम है। लोग इन्हें प्यार से सूरसेन को मास्टर दा कह के पुकारते थे। एक भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि मास्टर दा किसे कहते हैं, तो सूरसेन को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? बताइए, इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा, सिलेक्शन लेना है तो। आइए कि करके हम आपको यहां पे बताते हैं, थोड़ा सा कॉपी कलम लेकर बैठे हैं ना, लिख लीजिएगा। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसमें कुछ शर्तें थी। शर्त ए, लिख लीजिएगा, सरकार द्वारा सभी अध्यादेशों पर अपूर्ण अभियोग के मामले को वापस लिया जाए। सरकार द्वारा सभी अध्यादेशों, लेकिन मतलब ऐसे लिखिएगा, सरकार द्वारा सभी अध्यादेशों एवं अपूर्ण अभियोगों के मामले वापस लिए जाएं। दूसरा आप कह सकते हैं, समुद्र के किनारे बसने वाले लोगों को, समुद्र के किनारे बसने वाले लोगों को नमक बनाने और उसे एकत्रित करने की छूट दी जाए। अगला, कांग्रेस व उसके कार्यकर्ताओं की जब्त संपत्ति को वापस की जाए। अगला, हिंसात्मक कार्यों में जुड़े हुए लोगों को, जुड़े सभी राजनीतिक लोगों को या कैदियों को मुक्त किया जाए। ये गांधी इरविन समझौते का ये पांच सॉरी चार शर्तें थी। ठीक है, अगला, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग कमेंट करिए यार, वीडियो को शेयर कर दीजिए, पैसे नहीं कटेंगे। चाहे अपने फेसबुक पे, अपने यूट्यूब पे देख रहे हो, व्हाट्सएप पे, ग्रुप में शेयर कर दीजिए। इससे बेहतर कोई पढ़ा दे यूट्यूब पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा डीप में बताऊंगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। कब हुआ था ये सम्मेलन? जो था 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक चला था, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। जो ये सम्मेलन था, सांप्रदायिक समस्याओं पर विवाद के कारण पूरी तरह से असफल हो गया। दलित नेता भीमराव अंबेडकर जी
दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल अथवा पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। अंततः सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर गतिरोध के कारण यह सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को समाप्त घोषित किया गया। एक सवाल यहीं से आपके मन में बनेगा कि वह कौन सा व्यक्ति है जो तीनों सम्मेलनों में भाग लिया। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा वह कौन सा व्यक्ति है जो तीनों सम्मेलनों में भाग लिया। सभी लोग जवाब दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वह थे भीमराव अंबेडकर। और कौन था जरूर जवाब दीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है अंबेडकर को लेकर। अगला सवाल आपके सामने है, उस राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे जिसमें भाषाई आधार पर राज्यों का पुनः सीमांकन करने की सिफारिश की थी। बताइए जल्दी से कमेंट करके। जितने वीडियो को देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करें। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। मैं बार बार कहता हूं, रट लीजिए ऐसे प्रश्नों को। ये फजल अली आयोग नेहरू द्वारा अगस्त 1953 में, किसके द्वारा, नेहरू जी द्वारा अगस्त 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया गया, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी, इनकी रिपोर्ट आती है, रट लीजिए, नोट्स बना लीजिए, परीक्षा के टाइम बस यही पढ़कर घर से निकलिएगा, अक्टूबर 1955 में अपनी रिपोर्ट इन्होंने सौंपी थी। इसमें कहा गया कि राज्यों के गठन में प्रशासनिक और आर्थिक पहलुओं को समुचित महत्व देते हुए भी भाषाई आधार पर भी जोर देना चाहिए। अभी आगे प्रश्न मिलेगा, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन था। जी हां, सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करें और जवाब दें, चाहे वीडियो को बाद में देख रहे हैं चाहे लाइव देख रहे हैं, ये आप सभी के लिए है, सिलेक्शन वाले क्लास है। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लिया। स्वतंत्र भारत में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य में बनी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। और पहला मुख्यमंत्री कौन था यही, और गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य बनी, गैर कांग्रेस सरकार का पहला मुख्यमंत्री कौन था। मैं यहां पे दो प्रश्न बना दे रहा हूं, इसका उत्तर मैं वैसे लिख दे रहा हूं। नबुदरी पाद, एम एस नबुदरी पाद किस पार्टी थे, कम्युनिस्ट पार्टी से। लिखना चाहे लिख लीजिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी से थे। कब से कब तक थे, यह अप्रैल 57 से जुलाई 1959 तक चली थी। कहां पे, केरल राज्य में। स्वतंत्र भारत की पहली गैर कांग्रेस सरकार केरल राज्य में बनी थी। इससे बेहतर अगर कोई बताए तो आप इस वीडियो को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, यहां पे कितने प्रश्न आपका हो गया, लेकिन एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। आज तक के आजाद भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा, आजाद भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक, लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री कौन रहा, उसका नाम कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। महात्मा गांधी, ये बहुत ही, महात्मा गांधी से प्रश्न बहुत परीक्षा पूछ जाता है, जल्दी से कमेंट करिएगा।
देखिए, वनाडसा, कार्ल मार्क्स, लेनिन, लियो टॉलस्टॉय। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर होगा लियो टॉलस्टॉय। उन्होंने लियो टॉलस्टॉय की रचना से काफी प्रभावित थे और ये अफ्रीका में जर्मन शिल्पकार कालेन बाह की मदद से टॉलस्टॉय फॉर्म भी बनाया था। इन्होंने अफ्रीका में कौन, महात्मा गांधी, अफ्रीका में क्या बनाया था? टॉलस्टॉय फॉर्म क्या बनाया था? टॉलस्टॉय फॉर्म बनाया था। कौन, कहाँ पे? अफ्रीका में। अफ्रीका में कौन सा? अफ्रीका में दक्षिण पूर्व। किसकी सहायता से? किसकी सहायता से? कालेन बाक। कालेन बाक कहाँ का था? जर्मनी का शिल्पकार था। तो ये प्रश्न आपको लिखने के साथ साथ इसकी व्याख्या आपके लिए ज्यादा जरूरी है। स्क्रीनशॉट हो गया? चलिए अगला। गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास के रूप में कहाँ सीखा? गांधी जी ने अपने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान ही सत्याग्रह कला को अभ्यास के तौर पर सीखा। इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प है वो डी है। ठीक, अगला सवाल। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? अभी बार बार हम सत्याग्रह सत्याग्रह पढ़ रहे हैं। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? एकदम हलवा वाला प्रश्न है, सभी लोग जवाब दें। बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी कॉमेंट करिए। देखिए, ये गांधी जी ने कहां से? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ शुरुआत किया? दक्षिण अफ्रीका से सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया सत्याग्रह। क्लियर? किसी को डाउट नहीं है ना? दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और पटरी से नीचे फेंक दिया? ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए, यहाँ पे जो विकल्प है वो थोड़ा सा अप डाउन है, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि वहाँ गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया तक रेलवे द्वारा प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। रास्ते में कहाँ से? वो डरबन से प्रिटोरिया तक यात्रा कर रहे थे, लेकिन फेंके कहाँ थे? मेरिट्सबर्ग में। कहाँ फेंका था? लिखना चाहे लिख लीजिएगा क्योंकि विकल्प में ही नहीं है, गलती से टाइप हो गया यहाँ पे, ये विकल्प नहीं आया इसमें लिखा गया। मेरिट्सबर्ग में फेंका। और अब्दुल्ला के, एक महात्मा गांधी भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी करने के लिए गए थे, इसलिए इस प्रश्न के चारों विकल्प गलत हैं। इसलिए इस प्रश्न के चारों विकल्प आपके गलत हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये लाइव क्लास आपकी चल रही है या आप इस वीडियो को बाद में भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमने, आपने देखा कि यहाँ पे चारों विकल्प गलत है क्योंकि मेरिट्स वर्ग इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, और ये महात्मा गांधी भारतीय मुसलमान था व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी करने के लिए 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। अगला, गांधी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे जवाब दिया करें, ये मानकर जवाब दिया करें कि आप परीक्षा हाल में बैठे हैं। एक बार गलती होने के बाद भविष्य में कभी गलती की संभावना नहीं रह जाती। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो गोपाल कृष्ण गोखले। एकदम आसान सा प्रश्न है।
अब देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के राजनीति गुरु भी थे, ये राजनीति गुरु भी थे, राजनीतिक गुरु भी थे इनके, ठीक है। अगला, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? अगला ही प्रश्न आपका आ गया, आपका अगला ही प्रश्न आ गया। महात्मा गांधी का राजनीति गुरु कौन था? चलिए आइए इसके बारे में देखते हैं। महात्मा गांधी राजनीति गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। 9 जनवरी 1915, ये याद रखिएगा, इसका मैं कारण ही बताऊंगा, क्योंकि 9 से 12 जनवरी एक दिवस मनाया जाता है, कमेंट करके बताइए तब तक। अफ्रीका से भारत लौटे और गोखले के संपर्क में आए, इनके प्रभाव में ही आकर गांधी जी ने स्वयं भारत की सक्रिय राजनीति से जोड़ा। इसे हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा वाले हैं। क्लियर हुआ सबका? अच्छा, 12 जनवरी को युवा दिवस है, किसी ने भी कमेंट किया 12 जनवरी, यहां पे युवा दिवस है। देखिए आप सिलेक्शन के लिए पढ़िए और टाइम से लोग लाइव आ जाए करिए, ऐसी क्लास बड़ी भी होगी, मैंने पहले बता दिया था। 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह चलाने कहां पहुंचे? देखिए इनका पहला जो था, चंपारण 1917, तिनकटिया प्रथा, इसके पहले हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लिया था। इसके बाद दूसरा इन्होंने फरवरी मार्च 1918 में, ये फरवरी या मार्च 1918 में अहमदाबाद में काटन मिल, कौन सा मिल? यहाँ पर ऊपर लिखा है काटन मिल, प्रश्न में ही लिखा है सूती कपड़ा कारखाना, काटन मिल के जो मजदूर थे उनकी कम मजदूरी के विरुद्ध संघर्ष किया। और यहां पे मजदूरों को प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। गांधी जी ने 3 दिन के अनशन, जो कि भारत में उनकी प्रथम भूख हड़ताल थी, 3 दिन की अनशन, 3 दिन की अनशन, एक प्रश्न आपको किताबों में नहीं मिला होगा, ये गांधी जी की पहली भूख अनशन थी, पहली भूख हड़ताल थी। रट लीजिएगा, गांधी जी का पहला भूख, ये किताबों में आपको नहीं मिलेगा, लिख लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, नहीं तो बाद में पछताएंगे। गांधी जी का ये पहला भूख हड़ताल था। अगर आप इससे संतुष्ट होइए क्लास से, तभी शेयर करिएगा और डेली टाइम से लाइव आया करिए। और सभी लोग टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करेंगे, जो अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, क्लास की लिंक आपको यहीं से मिलेगी, या फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश है, इंस्टा ट्विटर यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हो गया। अगला, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? एकदम आसान सा प्रश्न है। देखिए यहां पे हो जाएगा 1917 चंपारण, लेकिन यह आंदोलन जो था यह बिहार में हुआ था, लेकिन 1919 का जो रॉलेट एक्ट है, लिख लीजिएगा आप लोग सभी लोग, शायद आप लोग इस बात को जानते भी हो या नहीं भी जानते हो, कितने लोग जानते हैं रॉलेट एक्ट? यह राष्ट्रीय स्तर पर था, राष्ट्रीय स्तर का था, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ए होगा, यह राष्ट्रीय स्तर का था। तो मतलब आपने स्पष्ट समझा कि प्रश्न का विकल्प माने रखता है। कुछ लोग तो कहेंगे सर 1917, अगर विकल्प 1917 देता लोग 1917 लगाते, लेकिन बिहार में था,
लेकिन राष्ट्रीय स्तर का जो था रॉलेट एक्ट, इसे काला कानून कहा गया, काला कानून कहा गया। और ये पूरे भारत में न वकील न दलील, मतलब यहां पे आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा अपने आप को, जैसे आज है कि आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, ऐसी चीजें कुछ भी नहीं रखी गई थी। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो ए, इसका राइट आंसर होगा, यह बिहार में था, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो 1919 का काला कानून रॉलेट एक्ट था। इसलिए गलती मत करिएगा परीक्षा हाल में, एक एक नंबर, एक एक प्रश्न आपके सिलेक्शन का सबसे बड़ा आधार होता है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर ऐसी क्लास पूरे यूट्यूब पर कोई पढ़ा दे चैनल को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। महात्मा गांधी किस आंदोलन में भारतीय राजनीति में प्रवेश किए? इसका उत्तर सब लोग बता देंगे कि वह चंपारण का आंदोलन था 1917 में। देखिए कहीं रन लिखता है कि रण लिखता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, कहीं चंपारण हो और कहीं से चंपारण, तो दोनों सही है। 1917 में तिनकटिया प्रथा, ठीक है, इसे तिनकटिया प्रथा भी कहते हैं, नील के लिए था। मैं आगे इसके पीछे वही क्लास हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा कर लिया है, पढ़ भी लिया है, और यहीं से राजनीति में प्रवेश करते हैं। ठीक है, किसी के मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। अगला सवाल हमारे सामने आ गया, क्योंकि गांधी जी से बहुत सारे सवाल आते हैं और गलतियां भी होती हैं। गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ कहां से शुरू किया? जितने साथ इस वीडियो को देख रहे हैं ना, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ कहां से शुरू किया पहली बार? एक सवाल किसी ने पूछा है, सत्याग्रह कब हुआ था? तो जवाब दे दीजिए आप लोग, सत्याग्रह कब हुआ था? सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले गांधी जी ने किया था अफ्रीका में, लिख लीजिएगा। गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कहां पे किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था, यहां पर चंपारण होगा। आगे साबरमती पढ़ना, डांडी पढ़ना, खेड़ा पढ़ना, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जो है वो डी है। ठीक, आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, जो डेली क्लास लेते हैं नोट्स लिखते चलिएगा, क्योंकि परीक्षा टाइम केवल आपको यही पढ़ के जाना है। गांधी जी की अध्यक्षता में AICC अधिवेशन कहां आयोजित किया गया? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। AICC, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, इसका जो अधिवेशन हुआ था गांधी जी की अध्यक्षता में, एकमात्र ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो अधिवेशन हुआ था बेलगाम में हुआ था, 1924 में हुआ था। रट लीजिएगा, एकमात्र जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था, एकदम रट्टा मार दीजिएगा। ये रिपीटेड प्रश्न होंगे आपकी परीक्षा में, यहां पढ़िए और जाके परीक्षा में हल करके आइए। ठीक है, बेलगाम ये भारत में है। वैसे टॉपिक हम आपको लेकर चलेंगे जहां पे हम केवल एक टॉपिक पढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के से जुड़े प्रश्न पढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय के बाद। महात्मा गांधी ने 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। महात्मा गांधी ने 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? क्लास लंबी होगी, अभी आपकी क्लास लगभग 1 घंटे चलेगी। देखिए, साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, पोरबंदर, दांडी, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो दांडी होगा। कब? 12 मार्च 1930 को। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पे मैं तीर लगा रहा हूं ना, इस तीर का मतलब मैं समझा रहा हूं, 12 मार्च 1930 को 78 सहयोगियों के साथ, कितने? 78 सह योगियों के साथ कहां से पैदल चलते हैं? साबरमती आश्रम से लेकर चलते हैं। और कितनी दूरी है? इसकी दूरी की अगर बात की जाए, इन दोनों के बीच की दूरी लगभग 390 किलोमीटर, परीक्षा में कभी कभी जब प्रश्न आता है लगभग 400 किलोमीटर, कितना होता है? लगभग 400 किलोमीटर, लगभग, देखिए परीक्षा में लगभग में आता है, ठीक, लगभग 400 किलोमीटर। क्लियर?
समझ में आ रहा कि नहीं? किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो भैया पूछ लीजिएगा, बाद में ये मत कहिएगा कि सर हमें नहीं पता था। और भी आ रहे हैं इसके बारे में बताऊँ हम? देखिए आप जितना पूछेंगे हम उतनी व्याख्या करेंगे। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम आपको तथ्यों को बताएंगे, तब तक तथ्यों को समझाएंगे। देखिए इसके साथ साथ और बातें हम आपको बता दे रहे हैं। एक बात आप लोगों को शायद पता भी होगा, नहीं भी पता होगा तो लिख लीजिएगा, यहां कितने दिन लगे थे पहुंचने में? 24 दिन। कब पहुंचे थे? 6 अप्रैल को। माने 24 दिन का समय लगा था। समय अगर पूछ दिया जाए तो 24 दिन पैदल चल के गए थे ये लोग, और नमक कानून भंग कर दिया। कौन सा कानून? नमक कानून। नमक कानून तोड़ा या भंग किया, और यहीं से सविनय लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत या प्रारंभ होती है। सबके कॉन्सेप्ट क्लियर? ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल के बीच 78 सहयोगियों के साथ महात्मा गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए 390 किलोमीटर की यात्रा करके 24 दिनों में डांडी पहुंचते हैं, साबरमती से डांडी पहुंचते हैं और वहां पे नमक बनाकर नमक कानून तोड़ते हैं। इसी के साथ यहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक प्रश्न में आपके कितने प्रश्न बन गए? कब शुरू किया था? 12 मार्च को शुरू किया था, ठीक है। दूसरा, दूरी की अगर पूछा जाए तो अगर कितनी दूरी है तो जो दूरी है वो कितना है? वो 390 अर्थात 400 किलोमीटर है। समय लगा था 24 दिन का, और इसी से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। 6 अप्रैल में किसकी घटना है? रट लीजिएगा। ये 390 परीक्षा में कभी कभी 400 देता है तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि नियर अबाउट के जो विकल्प होते हैं सही माने जाते हैं। अगला सवाल, नमक सत्याग्रह कहां पे समाप्त हुआ? एकदम आसान हलुआ प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न है, वो है डांडी में। कब? 6 अप्रैल 1930 को। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। अगला, गांधी जी को खादी किसका प्रतीक मानते थे? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, क्योंकि आप सभी लोग ऑनलाइन क्लास या नोट संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराजहन से आपके लिए निःशुल्क लाइव चल रही है। देखिए गांधी जी अगर खादी का प्रतीक देखा जाए तो औद्योगिकरण का नहीं मानते थे, आर्थिक वृद्धि का भी नहीं मानते थे, वो आर्थिक स्वतंत्रता मानते थे। इस बात को वो आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे, इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो बी है। हमने शुरू में बताया था कि गांधी जी कुटीर उद्योग वाले थे। गांधी जी चाहते थे लोग अपने मन से अपना कपड़ा बनाए, वो खुद अपना सूत काट कर अपने कपड़े पहनते थे। तो ये एक लॉजिक था जो उनका कभी कथन आता है तो लोग गलती करते हैं। तो मैंने एक बात बताया था, अगर रोज क्लास आप ले रहे होंगे, डेली क्लास पढ़ रहे होंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आधुनिक भारत के इतिहास बहुत सारे क्लास पढ़ लिया आप लोगों ने, एशियन हिस्ट्री पढ़ा, मेडिवल पढ़ा, मॉडर्न पढ़ रहे हैं। अगला, यहां पे कालक्रम में बताना है, डांडी यात्रा, डांडी यात्रा पहुंचती कब है? वैसे देखा जाए तो ये दोनों बात लिख लीजिएगा, 12 मार्च से शुरू होती है 1930, पहुंचती कब है? 6 अप्रैल 1930। लेकिन अगर डांडी यात्रा ऐसे पूछा जाए तो 6 अप्रैल ही लिखेंगे आप, 6 अप्रैल 1930। साइमन कमीशन 1927 में, 1927 पूना समझौता, यह हुआ था 24 सितंबर 1932। गांधी इरविन समझौता ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था 5 मार्च 1931। अब आपका है कैसे करेंगे? एक बार ध्यान से चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर ले और आप सेटिंग कर दीजिएगा, कौन ऊपर होगा, कौन नीचे होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, या आप खुद से देख लीजिएगा। वो आपकी जिम्मेदारी और मेरी जिम्मेदारी नहीं है, हमारा ये था तथ्य को अवगत कराना। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल खाता है?
देखिए यहाँ पे सही मेल खाता है भारतीय असहयोग आंदोलन सूर्यनाथ बनर्जी। बताइए, देखिए असहयोग आंदोलन गांधी जी थे, शायद आपको पता ही होगा। स्वदेशी आंदोलन, बताइए कौन शुरू किया था? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। स्वराज पार्टी यहां पे कौन था? मोतीलाल नेहरू। मोती लाल नेहरू, इसके साथ साथ और लोग भी थे, चितरंजन दास भी थे, ये भी गलत। स्वदेशी आंदोलन इन्होंने केवल सहयोग किया था, सक्रिय भागीदार नहीं थे। ये सक्रिय, देखिए मेरी राइटिंग गड़बड़ है भाई साहब, सक्रिय भागीदार नहीं थे। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस सही है, शीर्ष प्रश्न का सही है। इनका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया था। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? देखिए इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग बताइएगा। 1937 में बंगाल, पंजाब, सिंध, बंगाल, पंजाब और सिंध में पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था। पंजाब में यूनिस्ट पार्टी मुस्लिम लीग तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी मुस्लिम लीग की सरकार गठित हुई। सिंध में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही विकल्प है ए है। अगर डीप में लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी, पंजाब में, अगर पंजाब में पूछ दिया जाए पंजाब में किसकी है, यूनियनिस्ट पार्टी, और सिंध में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल गठन हुआ, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए? इंपॉर्टेंट है, यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, पट्टाभि सीतारमैया, जवाहरलाल नेहरू, बीबी पटेल। जितने लोग लाइव हैं या जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं जवाब जरूर दीजिएगा। अगर परीक्षा में होते यार तो इसका उत्तर क्या देते आप? अगर आप लोग परीक्षा हाल में होते हैं इस प्रश्न का जवाब क्या देते? पट्टाभि सीतारमैया। ये त्रिपुरा में हुआ था। कहां पे हुआ था लिखना चाहे लिख लीजिएगा, त्रिपुरी में हुआ था। कब? जनवरी जनवरी 1939 में हुआ था। और ये इन्होंने समर्थन किसका था? गांधी जी का। समर्थन किसका था? गांधी जी का था। गांधी जी का समर्थन था किसके ऊपर? पट्टाभि सीतारामैया के ऊपर। तो पट्टाभि सीतारामैया को हराकर पार्टी के अध्यक्ष हो गए। लेकिन गांधी जी के असहयोग के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। कब? जनवरी में होते हैं कौन? सुभाष चंद्र बोस। फिर आगे चलकर अप्रैल में नाराज होने के कारण अप्रैल 1939 में क्या करते हैं? वो त्यागपत्र दे देते हैं। सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं? त्यागपत्र दे देते हैं। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं। इसके बाद अध्यक्ष कौन बनता है? राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद अध्यक्ष, देखिए आप लोग पढ़ लीजिए क्योंकि सिलेक्शन अगर लेना तो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। राजेंद्र प्रसाद यहां से अध्यक्ष फिर इसके चुने जाते हैं। क्लियर सबका? क्या आप लोगों ने नोट्स में लिख लिया इसको? ठीक है। अगला, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? देखिए किसके नेतृत्व में आया? लॉर्ड पैंथिक।
लॉरेंस, इनके दो अन्य सहयोगी थे, कौन कौन पता है? इनके दो सहयोगी थे, पहला स्टेफोर्ड क्रिप्स, रट्टा मार लीजिए, हमारी तरह नहीं तो पछताएंगे, नहीं तो नोट्स बना के लिख लिए, दो तीन बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर कब आया था? कैबिनेट मिशन 1946। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी, कि कितने लोगों के प्रश्न सही हुआ? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट सबके? कोई सवाल, कोई प्रश्न नहीं है ना? चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये सारे सवाल परीक्षा वाले हैं, यहां पर केवल आधुनिक भारत के इतिहास से सवाल पूछिएगा। अनुराग जी आप सही हैं। अगला सवाल, भारत कैबिनेट मिशन किसके लिए भेजा गया था? भारत में जो कैबिनेट मिशन भेजा गया था वो किस लिए भेजा गया था? तो भारत में जो कैबिनेट मिशन आया था दिल्ली कब पहुंचा था? दिल्ली कब आया था बताइए? दिल्ली कैबिनेट मिशन कब पहुंचा था? 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था। मैं बताया था लॉर्ड पैंथिकलारेंस अध्यक्ष थे, इसके नेतृत्व कर रहे थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर थे, दो लोग यहां पे थे। अब यहां पे ध्यान देना है आप लोगों को कि इस मिशन का उद्देश्य स्वतंत्र भारत में संविधान जल्दी से जल्दी तैयार करके एक अंतरिम सरकार का प्रबंध करना था। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा, शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करना, और यहीं से एक अंतरिम सरकार गठित होती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बी इसका राइट आंसर होगा, बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बी लगाया है, इसका मतलब आपकी पकड़ जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और आप सिलेक्शन के लगातार नजदीक पहुंच रहे हैं। चलते हैं हम और अगले प्रश्न की तरफ। महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल निम्नलिखित में से कौन सा है? महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल निम्नलिखित में से कौन सा है? वीर अहिंसा, दुर्बल अहिंसा, पद दलित अहिंसा, डरपोक अहिंसा। एकदम हलवा प्रश्न है, वीर की अहिंसा इस प्रश्न का राइट आंसर है, बल वीर की अहिंसा। जी हां, अगला सवाल, मैंने कहा बड़ी क्लास होगी। महात्मा गांधी के बारे में क्या सही नहीं है? तीन सही और एक सही नहीं है, वही बताना है आपको कि क्या सही नहीं है। बताइए क्या सही नहीं है। गांधी जी साधनों के पवित्रता में विश्वास करते थे, सही बात। गांधी जी ने धर्म और राजनीति के बीच निकट संबंध स्थापित किया, सही बात। गांधी जी राजनीति धर्म से पूरी तरह अलग रखने की वकालत की, जी नहीं। गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे, जी। माने जो गलत है वही सही है। अरे गांधी जी जो थे वे साधनों की पवित्रता में विश्वास करते थे, वो राजनीति को धर्म के दायरे में लाना चाहते थे। उनकी निगाह में जो लोग ये कहते धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, वास्तव में वह वा नहीं जानते हैं कि धर्म क्या है। वे ऐसा करके राजनीति को तत्कालीन सभी बुराइयों से मुक्त करके उसे मानव हित का साधन बनाना चाहते थे, वह अहिंसा में विश्वास करते थे। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सही है, जो गलत है वही सही है। यहां पे पूछा कौन सा गलत है, जो गलत है वही सही है। गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया? अस्पृश्यता, वर्ण व्यवस्था, हिंदू मुसलमानों के बीच एकता, गृह युद्ध। देखिए हरिजनों के विरोध के उद्धार के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। अस्पृश्यता को मानवता के लिए अपराध मानते थे। उन्होंने अछूतों को 1932 में अछूतों को क्या कहा? हरिजन माने भगवान के लोग कहा, और यहीं से हरिजन सेवक संघ की स्थापना करते हैं। हरिजन
सेवक संघ की स्थापना 1932 में। यह बात रट लीजिएगा, परीक्षा वाले प्रश्न है। ठीक, हाँ, यह अनुच्छेद 17 में है, भारतीय संविधान के मूल अधिकार फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत ही आता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए क्या मुख्य कारण था? जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो जवाब जरूर देंगे। अरे, ऐसा सिलेक्शन नहीं मिलेगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? आइए इसके बारे में जानते हैं हम लोग, क्या कौन सा मुख्य कारण था। ये सब परीक्षा वाले सवाल हैं भैया आपके। देखिए, क्रिप्शन की विफलता, अंग्रेजों के बीच उलझ जाना, लोगों के घर बेचे बचेनी, साइमन कमीशन रिपोर्ट, क्रिप्स मिशन की विफलता। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। ना, गलत या सही, देखिए इसके बारे में बता दे रहा हूं। जब क्रिप्स मिशन विफल होता है तो भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म मिलता है। ग्वालियर टैंक आपने नाम सुना होगा, 7 अगस्त 1942, 7 अगस्त 1942 ग्वालियर टैंक। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक होती है, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की। इसमें वर्धा प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुई, इसे वर्धा प्रस्ताव भी कहते हैं। यहीं से भारत छोड़ो आंदोलन। फिर 8 अगस्त को प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। 9 अगस्त से शुरू होता है प्रारंभ, 9 अगस्त 1942 से शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन। तो सोचिए, क्रम से आपके सवाल मिल गए, 7 अगस्त 8 अगस्त और 9 अगस्त। क्या किसी के मन में कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो पूछ सकता है। इसके अध्यक्ष कौन थे बता सकता है? अबुल कलाम आजाद। अध्यक्ष अगर पूछ ले परीक्षा में, सभी लोग लिख लीजिएगा, अबुल कलाम आजाद थे, यह भी पूछ सकता है परीक्षा में। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा सभी लोग, सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए यार, वीडियो को शेयर कर दीजिए, पैसे नहीं लगेंगे, लोगों तो पूछेगा कर भला तो हो भला। अंग्रेजों के लिए गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1942। प्रारंभ कब होता है? 9 अगस्त 1942। ठीक है, आरंभ होता है भारत छोड़ो आंदोलन किस महीने में शुरू होता है? अगस्त। देखिए, प्रश्न पे ही प्रश्न बनते जा रहे हैं आपके। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? मार्च 1942। सी प्रश्न का राइट आंसर है। किसके नेतृत्व में? क्रिप्स के नेतृत्व में। ठीक है, कई प्रश्न आपके बन रहे हैं। भारत में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहां किया गया? वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, बलिया। कई क्षेत्रों में समानांतर सरकार शुरू की गई, लेकिन बलिया उनमें से एक था। क्यों बलिया ही था? कि यहां पे आंतरिक, यहां पे समानांतर सरकार गठन किया गया, यहां की सरकार का नेतृत्व चिंतू पांडे ने किया। किसने किया? चिंतू पांडे ने किया।
बलिया के अतिरिक्त बंगाल के तामुक, महाराष्ट्र के सतारा, उड़ीसा के तलचर में भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारें गठित की गई। लिखना चाहें तो लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नोट्स अगर बना रहे हैं तो लिख लीजिएगा। बंगाल में क्या, बंगाल बंगाल का तामलुक, ठीक, उड़ीसा का तलचर, उड़ीसा का तलचर, महाराष्ट्र का सतारा, और उत्तर प्रदेश का बलिया, यूपी या अवध का बलिया, अवध का बलिया, ठीक है, क्लियर हो गया सबका कॉन्सेप्ट। चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट कर लें, इससे बेहतर अगर कोई पढ़ा दे यूट्यूब पे तो मैंने कहा ना चैनल छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके कैरियर से बढ़कर ये चैनल वाला नहीं है। वीडियो आपके लगे बेहतर तभी लाइक और शेयर करिएगा, अन्यथा मत करिएगा। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल बनी, पीएम, गवर्नर, सीएम पहली, गवर्नर यूएनओ की सदस्य बनी, यूएनओ की सदस्य बनी, उस समय संयुक्त प्रांत के नाम से बनी थी, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए, पहली चीफ मिनिस्टर सीता कृपलानी, गवर्नर राज्यपाल सोजी नायडू, इंदिरा गांधी पहली महिला पीएम, विजय सिंह पंडित यूएनओ के सदस्य, ठीक। आगे बढ़ अगले प्रश्न की तरफ, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने क्या स्थगित कर दिया, यह प्रश्न पूछा था। चौरी चौरा कब चला था, 12 फरवरी 1922, चौरी कहां संबंधित है पता किसी को, किस जगह संबंधित है ये। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या किया था, स्थगित कर दिया था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, सबको समझ में आ रहा है ना। आगे चले अगले प्रश्न की तरफ, असहयोग आंदोलन किसके कारण स्थगित किया गया, चौरी चौरा कांड, पूना समझौता हमने पढ़ा दिया, पूना पैक्ट, जलियांवाला बाग ये भी पढ़ाया है, गांधी निर्विल ये भी पढ़ाया है, चौरी चौरा आपने पढ़ ही लिया है, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहां आयोजित किया, बताइए, लखनऊ, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता। भारतीय कांग्रेस असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कलकत्ता में स्वीकार किया, इसके अध्यक्ष कौन थे, यहाँ के उस समय अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय। सोचिए, कई प्रश्न से कई प्रश्न आपके बन रहे हैं, क्लास समझ में आ रही है आप लोग के, कोई कमी नहीं है ना, अगर हो तो बताइए। किस आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था, जल्दी बताइए। देखिए, एक तो असहयोग आंदोलन में, दूसरा खिलाफत आंदोलन, इन दोनों में, क्योंकि परीक्षा में अगर प्रश्न आएगा तो आप दोनों लगाइएगा। ये 1920 में असहयोग आंदोलन, 1920 से 22, इन दोनों में हिंदू और मुसलमान दोनों का समर्थन मिला था। गांधी जी ने कहा था, हिंदू मुसलमानों की एकता को एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा, ठीक है, क्लियर हुआ। अगला, सत्याग्रह के 3 स्वरूप कौन से हैं। देखिए आप लोग ऑनलाइन क्लास नोट्स से संबंध अगर जानकारी चाहिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यह क्लास
जौनपुर जनपद चलती है। मेरी क्लास आप सभी के लिए निःशुल्क है, एज ए गेस्ट के रूप में मैं निःशुल्क आपको पढ़ा देता हूँ। सत्याग्रह के तीन प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? असहयोग, सविनय अवज्ञा, बहिष्कार। इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित जरूर रखिएगा। असहयोग, सविनय अवज्ञा, बहिष्कार। शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से हुआ था गांधी जी ने, ठीक है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये 12 मार्च 1930 गांधी जी ने प्रसिद्ध डांडी मार्च के साथ अहमदाबाद से प्रारंभ किया। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचे, मुट्ठी भर नमक उठाया और नमक अधिकार को तोड़ दिया। और नमक अधिकार को लेकर शुरू किया गया था, उसका दीर्घकालिक लक्ष्य पूर्ण स्वराज था। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार को समाप्त करना, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगर 12 मार्च है तो सही है, अगर अप्रैल दिया है तो अप्रैल भी लगा सकते हैं। यह भी सही है और यह भी सही, ठीक है। ये ओवरऑल प्रश्न का उत्तर सही है। अब किसी के मन में कोई समस्या, कोई प्रश्न? डांडी यात्रा किसका उदाहरण है? सीधा कार्रवाई, बहिष्कार, असहयोग, सविनय अवज्ञा। ठीक है, कोई समस्या? महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? 1930 डांडी मार्च के साथ ही शुरू हुआ था। नमक सत्याग्रह किस साल प्रारंभ किया गया? 1930 मैंने ऊपर पढ़ाया था इसके बारे में, 12 अप्रैल को शुरू हुआ था 1930 साबरमती से 78 सहयोगियों के साथ 24 किलोमीटर चलकर लगभग 390 किलोमीटर यात्रा किया और 6 अप्रैल 1930 को पहुंचकर नमक कानून तोड़ते हैं। गांधी जी का डांडी मार्च किसका हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। किसका हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। नमक कानून के उल्लंघन के लिए गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। घुमाओ घुमा के प्रश्न आ रहा है। पूर्ण स्वराज शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूर्ण स्वराज शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई? सभी लोग बताएं फटाफट कमेंट करके, ये डेली क्लास के टाइम पे आ जाइएगा। वैसे आज आधुनिक भारत का इतिहास लगभग समाप्त हो जाएगा, राष्ट्रीय आंदोलन हमने खत्म कर दिया। देखिए यहां पे होगा लाहौर, ये 29 से 31 दिसंबर 1931 में 29 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्षता में लाहौर हुआ। अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि के समय जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता घोषक तिरंगा फहराया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया रावी नदी के तट पर। रावी नदी के तट पर 26 जनवरी को, यहीं से इसीलिए 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया था। 26 जनवरी 1930 क्या किया? स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया, दिवस मनाने का निश्चय किया। इसलिए रट लीजिएगा, प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक। यहां से किसी के मन में कोई सवाल, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। परीक्षा में अगर कोई प्रश्न आता है, ये 40वां था, ये क्या था? कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था,
जहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई। लाहौर में 29 से 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर आधी रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया। क्या फहराया था? तिरंगा फहराया था, तिरंगा फहराया था, ठीक है। अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। समझ में आ गया सबका? सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? कोई डाउट नहीं किसी के मन में? स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा, इस क्लास को कई बार देखिएगा, पूरी सीरीज प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक भारत के इतिहास देख लेंगे, आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ प्रश्न आपको हूबहू परीक्षा में मिल जाएंगे, कोई भी प्रैक्टिस सेट हल करके देख लीजिएगा। अगर संतुष्ट रहिएगा तो चैनल से जुड़िएगा, वरना अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। भारतीय राज्य कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। लाहौर 40वां अधिवेशन, अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार कब किया गया? लाहौर सत्र में 1929 में, 1929। क्रिस्टोफर कोलंबस कहां का था? क्रिस्टोफर कोलंबस कहां का था? देखिए ये जिनोवा का था और ये 1492 में निकला था भारत के लिए। पहुंचा कहां? अमेरिका। निकला था भारत के लिए, अब पहुंचा कहां पे? अमेरिका। और ये जिनोवा कहां पे? इटली में है, ठीक। इसकी मृत्यु स्पेन में होती है, वैलादोलिद में होती है, स्पेन में। अरे भारत की खोज के लिए निकला था कोलंबस, पहुंचा कहां था? अमेरिका। उसे उसने नई दुनिया कहा। अहस्तक्षेप की नीति का मतलब क्या है? माने एडम स्मिथ किए और कुछ प्रतिबंधों को हट जाना। ठीक है, बिना शर्त समर्थन देते हुए स्वतंत्र व्यापार की जबरदस्त हिमाकत की थी एडम स्मिथ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। इसकी स्थापना मैंने ये पढ़ाया है 1916 में हुई है। उसके कुलपति थे कब से कब? 1919 से कब तक? 39 तक। रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बेहतर लगे तभी वीडियो को शेयर करिएगा, तभी वीडियो को लाइक करिएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसे हम BHU कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं? BHU। स्थापना किसने किया? मदन मोहन मालवीय। कब? 1916। ये परीक्षा वाले प्रश्न है। यहाँ पे सबको कालोक्रम के अनुसार पे सेट कर दीजिए। इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पे आपकी समाप्त हो जाएगी। और आप सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक शेयर करिएगा। ऑनलाइन क्लास से जुड़े रहने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ई लर्निंग विद दुर्गेश का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, सभी क्लास वहाँ पर मिल जाएगी और मेरी क्लास निःशुल्क आपको मिलती है। टेलीग्राम पर आप लोग दुर्गेश सर सर्च करिएगा बिना स्पेस के, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग विद दुर्गेश। देखिए सिपाही विद्रोह कब होता है? '57 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। वास्को डी गामा भारत पहुंचता है 1498 कालीकट में। बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत की जाती है पानीपत के प्रथम युद्ध में। अब इसी को कालक्रम में सेट कर दीजिएगा। आज के साथ आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, राजा रवि वर्मा कहाँ के चित्रकार थे? केरल के। लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं? पैगोडा। लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किस देश को कहा जाता है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। आज की समाप्त हो जाती क्लास और आज आधुनिक भारत के इतिहास समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे बाहर आपकी परीक्षा प्रश्न नहीं आएगा। फिर भी
एक विविध टाइप का प्रश्न मैं लेकर आपको पढ़ा दूंगा, जैसे कुछ टॉपिक ऐसे जो छूटते लग रहे, जो मुझे लग रहा है कि वो भी आपको पढ़ा देना चाहिए, लेकिन इससे बाहर आपकी भर्ती परीक्षा में प्रश्न नहीं आएगा। एक बात, प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास जो हमने सीरीज पढ़ाई है वो आप सभी लोग पूरा पढ़ लीजिएगा, नोट्स लिख लीजिएगा, परीक्षा के समय जाते समय एक बार उस नोट्स को देख लेंगे, किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। 80% से ज़्यादा प्रश्न आपकी परीक्षा में हूबहू फंसेंगे। अगर इस बात को जानना चाहते हैं कोई प्रैक्टिस सेट लीजिए और हल करके चेक कर लीजिए, आपको ज्ञात हो जाएगी सच्चाई क्या है। नए सीरीज के साथ मिलेंगे, हो सकता है एक और सीरीज शुरुआत करें। अगर ये क्लास अगर आप लोग कहते हैं कि समाप्त हो गई आधुनिक भारत के इतिहास, तो एक नए विषय की शुरुआत करेंगे। विषय कौन सा होगा जब आप लोग देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फेसबुक पेज शेयर करिए, पैसे नहीं लगते यार, लोगों तक अच्छी चीज़ें पहुँचाइए। अगर आपको बेहतर लग रहा है, आप संतुष्ट हो, इससे बेहतर नहीं पढ़ाया जा सकता, तभी आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, लोगों को बताइएगा, समय बताइएगा कितने बजे उन्हें लाइव मिलेगी। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। अर्थशास्त्र के लिए लोग कह रहे हैं, देखते हैं कौन से विषय आप लोग पढ़ना चाहते हैं। बाय बाय। जी हाँ, प्लेलिस्ट उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। जय हिंद।